पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बता देता हूँ। कंपनी का नाम है जा लाइफ स्टाइल, जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की एक अद्भुत शैली। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होने जा रही है। कंपनी का इंडिया में ऑफिस आ चुका है और 5 जगह के ऑफिस आ चुके हैं। जहां जहां के ऑफिस आ चुके हैं वहां की लीगल फॉर्मेलिटीज कंपनी ने पूरी कर चुकी है, और जगह के ऑफिस पाइपलाइंस में है, पाकिस्तान, श्रीलंका और देख तुझे और है, वो प्रोसेस में चल रहा है। ये था एक कंपनी की चीज। अब मैं आपको, जब आप पिक्चर देखते होगे ना, तो पिक्चर में शुरू में पहले ही दिखाते हैं, उसके बाद वो बैकग्राउंड में ले जाते हैं, तो मैं आपको उसी तरह से बैकग्राउंड में ले जा रहा हूँ। क्या कि कंपनी 2017 से रन कर रही है, कुछ लोग क्या बोलते, थी नहीं, रन कर रही है। और किस में कर रही है? सोशल गैदरिंग, इवेंट मैनेजमेंट और क्लब कल्चर। कंपनी के मैनेजमेंट ने यह सोचा कि जो क्लब्स कल्चर चल रहा है वो ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में क्यों ना चलाया जाए। लेकिन जब इस पे सर्वे किया गया, उस क्लब कल्चर के अंदर सिर्फ लिमिटेड लोग जाते हैं, 8 से 10%। फिर सोचा क्यों जाते हैं, फिर ये पता लगा कि वर्ल्ड के अंदर 85 से 90% जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा की है, उनके पास पैसे ही नहीं है क्लब में जाने के लिए, कैसे जाएंगे। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। क्या प्लेटफॉर्म है, ध्यान से सुनिएगा, कि कुछ ऐसा कंसेप्ट लाया जाए कि लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिले और उस एक्स्ट्रा इनकम से अपनी लाइफ को चेंज करें और इस क्लब कल्चर को भी एंजॉय कर पाए। तो बहुत सोच विचार के बाद एक ही चीज निकल के आई, एडवर्टीजमेंट। और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पैसा एडवर्टीजमेंट का, जितने भी फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार या किसी भी लाइन के हो, अपनी फील्ड में या राजनीति में के हो, उनकी जो मेन इनकम है वो एडवर्टीजमेंट से है। तो इसी कंसेप्ट को मैनेजमेंट ने हाथ मिलाया एडवर्टीजमेंट एजेंसियों से कि भाई आप हमारे साथ आओ और हम आपको एक्चुअल यूजर देंगे। दिमाग घूम गया एडवर्टीजमेंट वालों का, यार ये तो बड़ी सही बात बोली, क्यों अभी तक वो जहां पर एड दे रहे थे उनको एक्चुअल यूजर नहीं मिले थे। आप लोग बताओ, आप टीवी देखते हैं? यस। क्या आप एड देखते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देखते हैं? पिक्चर देखते हैं, एड आती क्या होता है, स्किप कर देते हैं। इसका मतलब एड एजेंसियों का पैसा वेस्ट चला जाता है जो कि नहीं जाना चाहिए। और एड एजेंसियों ने ये सोचा, यार यहां पर तो हमारा पैसा एक्चुअल यूज होगा, और जो एक्चुअल यूजर जब देखेंगे हमारी एड को, तो जो दिखता है वो तो बिकता है। बस यहीं से कंपनी के मैनेजमेंट ने सोचा हम इस प्लेटफॉर्म को अपने 85 से 90% लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि वो अपने लाइफ को चेंज कर। क्या लिखा हुआ है, लाइफ सॉल्यूशन टू ए बेटर लाइफ, जिंदगी जीने का नया तरीका। और एडवर्टीजमेंट की इनकम से आपको भी इनकम आएगी और कंपनी को भी इनकम आएगी। देखिए, एक की सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, हमें भी इनकम, कंपनी को भी इनकम और एडवर्टीजमेंट भी। कितना बढ़िया कंसेप्ट है, मिशन विजन देखिए। पूरी दुनिया में 200 कंट्रीज से ऊपर कंपनी, मैं तो कहता हूँ, सक्सेसफुली रन कर रही है। क्या चीज रह गई है, अब एक एड इनकम ही तो आनी रह गई है। कहते हैं हाथी निकल गया, पूंछ भी निकल गई, पूंछ के बाल बाल रह गए हैं बस। और कभी भी 26 तो दिए डेट, उससे पहले भी या उसके आगे भी, 1-2 दिन आगे से शुरू हो सकती है। और आज भी जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेनिंग है उसमें भी कुछ ना कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही है, समझ। तो ये कंसेप्ट बनाया कंपनी ने, मिशन विजन एकदम क्लियर है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। इस चीज को आप लोग समझ जाइए, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, बिल्कुल बस सोचिए, डाउट नहीं करना है। अपने जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं उस पर डाउट नहीं करना है। जैसे घर होता है ना, घर वालों पे किसी पे डाउट नहीं करते ना, ऐसे इस पे डाउट नहीं करना है। तो ये कंपनी का मिशन और विजन है कि एक साथ कितने लोगों ने शुरू करना है,
30 लाख लोगों ने इतिहास रचा जाएगा, इतिहास। और कैसे रचा जाएगा, कितनी पेमेंट आएगी, वो सब की सब आपको आगे प्लान के माध्यम से समझाया जाएगा। थैंक यू धनंजय, ओवर।